ऐसा लगता है कोई जंग लड़ने जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। तो ऑल इंडिया साइकिलिंग राइड का आज हमारा है 238 दिन और कल रात हम इस गांव में एक जगह पे कैंप करके रुके थे और ये कुछ इस प्रकार का किसी का प्राइवेट फील्ड था तो उसे पूछ करके यहाँ पे कैंप लगा लिए थे। जल्दी कैंप को बंद करते हैं और नूरला नाम है इस गाँव का, यहाँ पर कैंप किया था हमने। उसके ऊपर एक पेड़ है बहुत ही अच्छा फल का, उसके नीचे ये फल गिरता है, बहुत ही मीठा और बहुत ही बढ़िया फल है, इसको खा भी सकते हैं। लेकिन सबसे पहले फ्रेश फ्रेश होते हैं और सवेरे सवेरे एक बुरा खबर ये है कि यहाँ पे कुत्ता बहुत ख़तरनाक होता है। मैंने चप्पल और जूता दोनों यहाँ पे इस तरह से रख दिया था, सवेरे उठ के देखा तो नहीं चप्पल नहीं जूता, तो पूरा फील्ड में खोजा तो जूता तो मिल गया, चप्पल तो मिल गया और जूता का इतना बुरा हाल किया है कुत्ता ने, किया मैं आपको बताऊं यार, अच्छा जूता था, लेस भी पूरा काट दिया है, अंदर से भी पूरा बर्बाद कर दिया है, पूरा काट दिया है यार। ये अगर जूता ना अगर काटता नहीं तो मैं इसको 2-3 साल चलाता, 2 साल तो पक्का चलाता यार। मैं चीज़ों को बहुत संभाल के रखता हूँ, ये कुत्ता सवेरे सवेरे नुकसान कर दिया, खाना भी इधर बहुत महंगा यार, कोई बात नहीं आज फल खा के काट रहा है, हर जगह पे ये फल मिल रहा है। मोजा एक बचा है, एक मोजा कहाँ गया पता नहीं, फील्ड में मैंने देखा तो कितने सारे जूते और चप्पलों का शमशान बना हुआ है, बहुत सारे जूता और चप्पल फाड़ फाड़ करके कुत्ता लोग फेंका हुआ है, मोजा वोजा सब कुछ गजब करता है यार। तो राइड को स्टार्ट करने से पहले कर लेते हैं नाश्ता और ये है नाश्ता, पराठा 70 रुपीज़ का है 1 पीस, तो खा लेते हैं फिर राइड को स्टार्ट करेंगे। जय श्री राम का नाम लेते हैं अपने राइड को करते हैं स्टार्ट। उससे पहले मैं बता दूं कि नाश्ता वास्ता करते करते यहाँ पे 10 बज गया है इसी गांव में, तो चलिए अपने राइड को करते हैं स्टार्ट। और ये कुछ इस प्रकार का एरिया था यहाँ पर, ठीक है भाई। यहाँ पे चलते चलते मुझे एक मार्केट मिल गया, मार्केट में जूते का शॉप है, तो मेरा जूता तो हो चुका है ख़त्म, अब इतना तो बजट नहीं कि बार बार खरीद सकते हैं, तो उसको हम बनवा लेते हैं। हमारे भैया यहाँ पे, भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम जशपाल है। अच्छा, तो ये बन जाएगा मेरा जूता? हाँ, बन जाएगा। देखो कुत्ता ने ऐसा काटा है, एकदम रद्दी कर दिया है, 2 दिन पहने थे और इस तरह से कर दिया है, तो इसको बनवा लेते हैं। ठीक भैया, बना दीजिए। ओके सर। तो फाइनली हमारा जूता बन चुका है, लेस भी बदलना पड़ा, थोड़ा अलग लग रहा है लेकिन चलते चलते ये भी गंदा होगा तो कलर मिल जाएगा। तो भैया ठीक है, थैंक यू भैया। ओके, भैया ने पैसा नहीं लिया, मैंने इतना देर मेहनत भी किया लेकिन पैसा नहीं लिए, तो थैंक यू भैया। ओके, थैंक यू। तो चलो गाइस चलते हैं, अपने सफ़र को कंटिन्यू रखते हैं। धूप तो बहुत हो चुका है, खालसी जगह में है, खालसी मार्केट में चलते हैं और उनका दुकान का नाम है बूट शू कैबास। खालसी में आए तो इनके पास ज़रूर आए, मिले, आपका काम हो जाएगा। नेशनल हाईवे 1 पे अभी हम चल रहे हैं जो कि लेह लद्दाख को जम्मू कश्मीर से जोड़ता है और उसके आगे भी शायद, मुझे नहीं पता लेकिन हो सकता है कि उसके आगे भी जाता होगा, लेकिन अभी चलते हैं NH1 पर ही। पूरा जो सामने माउंटेन्स दिख रहा है सबको अभी क्रॉस करना होगा भाई, सबको करना होगा, तो अब हालत होने वाला है थोड़ा ख़राब। चलते हैं, हर हर महादेव।
रास्ता देख के यार इतना डर लग रहा है, क्या बताएं आपको। डर नहीं लग रहा है, क्या लग रहा है क्या बताएं यार। इतना ऊंचाई है कारगिल, हजारों फीट की ऊंचाई। ये देखो पहले तो नीचे से इधर यहाँ तक तो पहुँच चुके हैं। अब देखो ये रास्ता देखो, वो वाइट कलर का आपको दिख रहा है ना, उसको ऊपर जाना है और फिर बहुत दूर में आपको दिख रहा होगा कुछ, वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से लगभग आई थिंक कि 5,000 फीट के ऊपर होगा, 10,000। देख लो वो सब रास्ता दिख रहा है आपको ना, वो एकदम जो माउंटेन्स का टॉप दिख रहा है वहाँ पे जाना है। चढ़ाई फिर चलना हमने चालू कर दिया यार, ऐसा लगता है कोई जंग लड़ने जा रहे हैं, जंग लड़ रहे हैं, किसी दुश्मन को हराना है और वर्ल्ड कप जीतेंगे फिर हरा करके। इतना ऊंचाई को इस तरह से खींच खींच करके पार कर रहे हैं। ओ पूरा लाइफ में सबसे ज्यादा ऊंचा चढ़ाई अभी मैं चढ़ रहा हूँ, करीब 2 से 3 घंटे से मैं चल रहा हूँ और इतना ऊंचाई को पार किया हूँ। अब देखिए आपको दिखेगा भी नहीं इतना ऊंचाई पे जाना है, ऐसे जाके उधर जाके फिर ऐसे जाना है, फिर इस तरीका से वो थोड़ा ऊंचा पहाड़ का चोटी दिख रहा है ना, उससे बहुत ज़्यादा ऊपर सड़क है जो कि कैमरे में भी दिखा पाना मुश्किल है। और यहाँ पे कुछ पानी बहता हुआ ग्लेशियर का। शाम का समय हो चुका है, 4:18, मेरे पास मात्र 3 घंटा है इसको पार करके कोई विलेज में पहुँचने का। कोई बात नहीं, चलते रहते हैं। रास्ते में भी एक भैया मिल गए थे, उन्होंने एनर्जी ड्रिंक दे दिया, पी लिया है मैंने, देखते हैं। शाम के 5:56 हो चुका है और पता नहीं नेक्स्ट विलेज कब मिलेगा। सवेरे से चल रहे हैं, कोई मिल जाए तो ठीक है, लेकिन अभी कुछ मिला नहीं है। यहाँ पे कुछ इस प्रकार का चीज़ मिला है हमें, शायद इतना ऊंचाई पे चलने के बाद एक होटल टाइप का है कुछ, तो अपना तो बजट नहीं है कुछ ऐसा, तो ये नेचुरल नज़ारा मुझे मिला है कई हज़ार फीट कई ऊंचे पहाड़ों को क्रॉस करने के बाद। और चलते रहते हैं आगे, देखते हैं कहीं स्टे करने का जगह मिलता है या नहीं। एक विलेज 17 किलोमीटर दूर है, तो समय भी 6 हो चुका है, 1 घंटा में अगर 17 किलोमीटर हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो चलते हैं, देखते हैं आज कहाँ स्टे कर पाते हैं। शाम हो चुका है, यहाँ पे 7 बज चुका है और लद्दाख के अधिकतर गांवों में ऐसा ही होता है कि समतल जगह नहीं मिलता जहाँ पे कैंप किया जाए। ऊपर हाईवे चल रहा है तो बहुत ढूंढते ढूंढते एक छोटा सा रास्ता था, तो उस रास्ते से मैं इधर आया हूँ और नीचे में एक नदी क्षेत्र का एरिया है। एक्चुअली इधर नदी होता नहीं, ग्लेशियर जिस समय पिघलता है, अभी तो सारा ग्लेशियर पिघल चुका है तो अभी नदी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा एरिया मिला था जहाँ पे कैंपिंग कर सके, लेकिन यहाँ पे थोड़ा खतरा है क्योंकि हम अकेले हैं, कोई भी नहीं है दूर दूर तक, लेकिन कोई बात नहीं करेंगे। और यहाँ पे पानी भी बह रहा है जो कि यहाँ पे तो गंदा दिख रहा है, ये नाला जैसा, लेकिन आगे से ये ग्लेशियर से पिघल के आता है तो ज़्यादा गंदा नहीं है, गंदा है मतलब क्लीन है। तो सवेरे स्नान भी कर लेंगे, पानी का सोर्स मिल गया, बहुत बड़ी बात है। तो यहीं पे कैंप करते हैं किसी भी तरीका से। यहाँ जो पानी बह रहा है थोड़ा साफ है, एकदम क्लीन है।
8:15 हो चुका है, आए हैं यहाँ पे खाना खाने के लिए एक होटल में। ये है खाना, तो खाना खा लेते हैं जल्दी जल्दी, उसके बाद चल के सोएंगे। वहाँ पे बहुत अंधेरा हो गया होगा, लेकिन जाएंगे, क्या कर सकते हैं, खाना खाएंगे तो जा सकते हैं ना। तो जल्दी जल्दी खा लेते हैं। ये खाना है 140 रुपये प्लेट, और ये है होटल। तो खाना खा करके दोस्तों आ चुके हैं अपने टेंट के पास, और अभी का माहौल ना, अगर रात में डायरेक्टली आ जाए तो बहुत डर लगेगा, लेकिन अच्छा है, इतना प्यारा जगह पे जगह मिल गया कि उम्मीद नहीं था। और कल हम शायद एक बहुत बड़ा पास है, पास बोले तो दर्रा हिंदी में, और पास बोले तो समझने के लिए आपको माउंटेन्स के बीच से सड़कें निकाली जाती है पहाड़ के ऊपर से, उसको पास बोला जाता है। तो बहुत ही बड़ा पास मिलने वाला है कारगिल से पहले, उसके बाद कारगिल जाएंगे, फिर उससे फिर नीचे जाएंगे। तो आ चुके हैं टेंट के पास। देखिए ये हमारा साइकिल कुछ इस प्रकार से हमने लगा दिया है, और ये है हमारा टेंट, दूर दूर तक कुछ दिख नहीं रहा। तो दोस्तों आई होप कि आज का वीडियो आपको ठीक लगा हो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, बाकी आपके ऊपर है। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव, बाय।